ये क्या? ये तो सिर्फ परछाई है। सिर्फ परछाई नहीं सलोनी, तुम्हारी बेटी की परछाई है। वैसे तुम्हें एक बात जानकर बहुत खुशी होगी सलोनी, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिखती है, हूबहू। सावरी, क्या कर रही हो तुम बेटा? संभाल कर चलना चाहिए ना, और इतनी कड़ी धूप में कहाँ भागी जा रही हो तुम? आइसक्रीम लेने। आइसक्रीम लेने? लेकिन तुम तो आइसक्रीम खाती नहीं। फिर नहीं माँ, आज अचानक मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था ना। अच्छा, अचानक मन हो रहा था। सच सच बताओ, श्वेता के लिए आइसक्रीम लेने जा रही थी ना? नहीं माँ, मैं अपने लिए लेने जा रही थी, सच। एक बात बताओ, जब झूठ बोलने की आदत ना हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी पता चल जाएगा कि तुम अपने लिए आइसक्रीम लेने जा रही थी या श्वेता के लिए। श्वेता, श्वेता, क्या हुआ मॉम? वैसे आप लोग इतनी धूप में क्यों खड़े हैं? इधर आओ। मैं तो यहाँ तुम्हारी वजह से खड़ी, लेकिन सावरी किस लिए खड़ी है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं मुझे क्या पता ये सावरी यहाँ क्यों खड़ी है। अच्छा, तो तुमने सावरी को आइसक्रीम लेने के लिए नहीं भेजा था? नहीं। झूठ मत बोलो। अब मैं क्या करती मॉम, देखो ना कितनी धूप है, और अगर मैं धूप में निकलती तो मैं काली हो जाती। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो पहले से काली है ना। श्वेता,